यूक्रेन पर रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण किया था और पुतिन के इस हमले को देखते हुए ऐसा डर सता रहा था कि पुतिन की सेना यूक्रेन से होते हुए फिनलैंड तक न आ जाए, और इसी वजह से फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और इस साल अप्रैल 2023 में फिनलैंड को नेटो का 31वां सदस्य देश बना लिया गया था, जिसको लेकर पुतिन ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी। और अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर फिनलैंड हो सकता है, जिसकी सुगबुगाहट पुतिन के हालिया बयानों में साफ नजर आ रही है। दरअसल नेटो में शामिल होना ही नहीं बल्कि फिनलैंड और अमेरिका के बीच हुए एक रक्षा समझौते की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड पर भड़के हुए हैं। यहां तक कि पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अब नेटो में जाने के बाद फिनलैंड को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये समझौता है क्या जिसकी वजह से पुतिन फिनलैंड पर इतना तमतमाए हुए हैं। तो आपको बता दें कि समझौते के बाद अमेरिका को फिनलैंड में सैन्य अड्डा बनाने और सैन्य मदद पहुंचाने की परमिशन मिल गई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका फिनलैंड के 15 सैन्य अड्डों पर बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है और इन सैन्य अड्डों पर मिलिट्री उपकरण और गोला बारूद भी स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका फिनलैंड के 4 एयरबेस और 1 सैन्य बंदरगाह पर भी आ जा सकता है और इन्हीं चीजों से रूस फिनलैंड के ऊपर आक्रामक हो गया है और इसी वजह से रूसी विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में फिनलैंड के राजदूत को तलब करके इस समझौते के खिलाफ आपत्ति जताई है। इसको लेकर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने फिनलैंड पर बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मॉस्को बॉर्डर पर संभावित रूस से नेटो की सैन्य तैनाती को हम बिना जवाब दिए छोड़ेंगे नहीं, जो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। फिनलैंड और नेटो सहयोगियों के आक्रामक फैसलों का जवाब देने के लिए रूस जरूरी उपाय करेगा। रूस का कहना है कि यह हकीकत में हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इस समझौते से नेटो के हथियार हमारे बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगे, जिससे फिनलैंड के साथ गतिरोध बढ़ सकता है। आपको बता दें कि फिनलैंड का रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी लगता है। इससे पहले पुतिन ने फिनलैंड को लेकर एक बयान भी दिया था। अपने बयान में पुतिन ने कहा था कि हमारी फिनलैंड के साथ कोई दिक्कत नहीं है। फिनलैंड के साथ 20वीं सदी के मध्य में जो विवाद था वो वर्षों पहले सुलझा लिया गया है, लेकिन अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से उसे दिक्कत हो सकती है। पुतिन का कहना था कि फिनलैंड बॉर्डर के करीब अपनी मिलिट्री यूनिट स्थापित करेंगे, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि फिनलैंड को लेकर पुतिन के दिमाग में यूक्रेन जैसा ही कुछ प्लान चल रहा है।